Hey guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching someone else. So in this video, I am going to discuss another cue card that is talk about an interesting old person you met recently. आपने एक इंटरेस्टिंग ओल्ड पर्सन के बारे में बात करनी है जिसको आप रिसेंटली मिले हो. Who is the person? कौन है वो पर्सन? How you met him or her? कैसे मिले थे? What you do with this person? क्या किया था इस पर्सन के साथ? And why you found him interesting? और आपको क्यों लगता है कि वो पर्सन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है? सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी एल्डर पर्सन की बात कर सकते हो. जब भी पर्सन का क्यू कार्ड आ जाए तो मैंने आपको बोला था कि आप एक जर्नल लाइन जो है वो हमेशा यही यूज कर सकते हो. वर्ल्ड इज अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज. सम आर एग हेडेड, सम आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, वाइल अदर आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड. कि बैग की तरह होता है ये वर्ल्ड. कुछ तो एग हेडेड होते हैं, एग हेडेड होते हैं क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है, और इंटेलिजेंट पर्सन. और ऑप्टिमिस्टिक जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हों और पेसिमिस्टिक जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले हों. वाइल अदर आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड. जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब होता है जो मल्टी टैलेंटेड हो. सो हियर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन एन एल्डर पर्सन और ऑन एन ओल्डर पर्सन टू होम आई मेट रिसेंटली. जिनको मैं रिसेंटली मिला हूँ. ही इज नन अदर देन द बॉसम बडी ऑफ माई ग्रैंड पा. वो और कोई नहीं, वो कौन है? बॉसम बडी है, मतलब क्लोज फ्रेंड है मेरे ग्रैंड पा के. Actually, last month there was the 17th birthday of my grandfather. So my father decided to throw a party and invited his all friends or comrades in order to give him contentment. So मेरे पापा ने डिसाइड किया कि उनके 17th बर्थडे जो है वहाँ पे एक पार्टी दी जाए. थ्रो अ पार्टी का मतलब पार्टी देना. तो इन्वाइट किया जाए उतने उनके जितने भी कॉमरेड्स हैं, कॉमरेड्स होता है फ्रेंड्स, ताकि उनको खुशी मिल सके. कंटेंटमेंट का मतलब होता है हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन. वन ऑफ माय ग्रैंडपास फ्रेंड्स वाज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर. एक जो थे वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे मेरे ग्रैंडफादर के. ही वाज आल्सो इन हिज लेट 60s. वो भी अपनी लेट 60s में थे. लेट 60s होता है लाइक आप बोल सकते हो 65 से लेके नियर अबाउट 69 तक का टाइम पीरियड. हाउ पिट का मतलब होता है बट He was quite organized and fit as a fiddle. वो काफी organized थे और fit as a fiddle मतलब तंदुरुस्त थे. It was the time or आप बोल सकते हो it was the first time that I was meeting him. पहली बार मैं उनको मिल रहा था. But honestly speaking, I really enjoyed his company. Indeed, he was such an optimistic person. सचमुच वो एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन थे. एंड सीम्ड एज ही स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी इन द एयर. और ऐसा लगता था कि वो हवा में जो है पॉजिटिविटी फैला रहे हैं. ही टॉक्ड अबाउट द हार्डशिप्स ऑफ हिज लाइफ एंड ऑल्सो ट्रायम्फ दैट ही गॉट आफ्टर डिफिकल्टीज. उन्होंने हार्डशिप्स जो भी मतलब मुश्किल आई थी उनके लाइफ में उसके बारे में बात की और ट्रायम्फ के बारे में बात किया जो भी उन्होंने डिफिकल्टीज के बाद जो है वो अचीव किया था. ट्रायम्फ का मतलब होता है सक्सेस. आई कैन से ही इज क्वाइट बेनेवोलेंट एंड इंडस्ट्रियस पर्सन. मैं तो ये बोल सकता हूँ कि वो काफी काइंड हार्टेड पर्सन है और काफी हार्ड वर्किंग है. बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड, इसकी जगह पे आप मैग्नानिमस भी बोल सकते हो. और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग. Actually, from his conversation, I realized that he was not born with silver spoon, but he burnt midnight oil in order to become a renowned officer in his domain. उनकी बातों से मुझे ये तो पता चला था कि वो लाइक इतनी वेल्थी फैमिली में जो है वो पैदा नहीं हुए थे. He was not born with silver spoon का मतलब होता है अच्छे घर में इतना पैदा ना होना. But he burnt midnight oil. This is again an idiom जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना. उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया ताकि वो एक रिनाउंड ऑफिसर बन सके अपने ही फील्ड में. डोमेन का मतलब होता है फील्ड, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस. ही सर्व द नेशन विद डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ ग्रीड. उन्होंने अपने नेशन के लिए बहुत काम किया डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, बिना किसी लालच के, बिना किसी ग्रीड के. मोर ओवर नाउ ही इज रनिंग एन आर्मी ट्रेनिंग कैंपस फॉर यंगस्टर्स एंड ऑलवेज ऑफर हेल्पिंग हैंड्स टू द नीडी वन. अभी वो एक आर्मी ट्रेनिंग कैंपस चला रहे हैं जो यंगस्टर्स के लिए है. और उसके अलावा जितना भी हो पाता है वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि दूसरों की हेल्प की जा सके. ऑलवेज ऑफर हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है हेल्प के लिए रेडी रहना. हिज टॉक्स फिल्ड मी विद मोटिवेशन टू डू समथिंग न्यू विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर. उनकी बातों ने मुझे लाइक मोटिवेशन के साथ भर दिया था. तो कि मतलब कोई ना कोई चीज नई लाइफ में करनी चाहिए वो भी बिना डरे. Besides this, इसके अलावा his thoughts about life are fantabulous as he asked me to face hurdles with open arms. उनके life के बारे में जितने भी उनके विचार थे वो काफी fabulous थे. Fantabulous का मतलब होता है fabulous. क्योंकि वो मुझे बोलते थे कि लाइक आप हर्डल्स को फेस करो वो भी ओपन आर्म्स के साथ. मतलब कि आप मुश्किलों का भी सामना ऐसे करो
कि जैसे उनका वेलकम कर रहे हो. सीरियसली दैट मीटिंग वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग बिकॉज आई डिड नॉट फील बॉटम एट ऑल. वो सच्ची में मीटिंग जो थी वो काफी फैसिनेटिंग थी, इंटरेस्टिंग थी. जहाँ आप बोल सकते हो सीरियसली दैट पर्सन वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग, वो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन थे बिकॉज आई डिड नॉट फील बॉटम एट ऑल. बॉटम का मतलब होता है बोरियत, बोरिंग नहीं था उनके साथ बातचीत करना. सो इसलिए काफी अच्छा टाइम बीता मेरा उनके साथ. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज अगेन एन इडियम फॉर एंडिंग. ही इज द ओल्ड पर्सन टू होम आई मेट रिसेंटली एंड हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर. ये वो पर्सन हैं जिनको मैं रिसेंटली मिला हूँ और उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गया. इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेट हिम अगेन श्योरली आई विल नेवर मिस द बोट. अगर मुझे दोबारा मौका मिले उनसे मिलने का तो पक्का मैं वो मौका कभी मिस नहीं करूंगा. नेवर मिस द बोट, दिस इज अगेन एन इडियम जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइक मैं वो मौका मिस नहीं करूंगा. जहाँ एक इडियम होता है आई विल जंप एट द अपॉर्चुनिटी. जंप एट द अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है किसी भी मौके को ग्रैब कर लेना, कि लाइक उसको जो है वो जाने नहीं देना. तो ऐसे करके आप किसी भी क्यू कार्ड की एंडिंग कर सकते हो. सो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड. होप है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियरी होगी. शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.